तो क्या हाल चाल है दोस्तों, आ गए एक और निक कमाल के पबजी मोबाइल की वीडियो के साथ वापस। तो इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप पबजी मोबाइल के आर वर्जन और पबजी मोबाइल ग्लोबल वर्जन को कैसे अपडेट कर सकते हो। जैसा कि आपको पता है कि इसमें न्यू अपडेट आ चुका है जो कि रॉयल मेट्रो रॉयल के नाम से है। तो काफ़ी लोगों ने मुझे फेसबुक पर मैसेज किया था कि भाई आप बता दो कि आपको मतलब हमें अपडेट कैसे करना है। तो गाइस इस वीडियो में आपको मैं पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ जो कि मैं आपको आपके सामने दिखा दिया हूँ। तो आपको कोई सा भी एक ब्राउज़र खोल लेना, उसमें आपको एक नाम टैप नाम का एक वेबसाइट होगा, आपको एक ऐप मिलेगा तो उसको आपको सिंपली डाउनलोड करना है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूँ, तो आप फॉलो कर लेना और आपका इजीली यहाँ से अपडेट हो जाएगा। तो ये हमारा अपडेट हो चुका है, कुछ 4-5-6 MB का होगा। तो इसको इंस्टॉल करते हैं पहले। तो इंस्टॉल होने में हल्का सा कुछ सेकंड का टाइम लेगा, तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अब हमें इसको इंस्टॉल होने देना है। तो फाइनली अपना ये इंस्टॉल हो चुका है, तो इसको ओपन करते हैं। और ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा, और इसमें आने के बाद आपको इजीली सर्च बार पे जाना है, और सर्च बार पे पबजी मोबाइल आपको जो सा भी मतलब करना है अपडेट अब कर लेना। तो मैं पबजी मोबाइल कोरिया वर्जन को सर्च किया, तो आप देख सकते हो कि अपडेट का ऑप्शन आ गया। तो इसको अलाउ करके अपडेट पर लगाते हैं, और सेम प्रोसेस आपका पबजी मोबाइल ग्लोबल का होने वाला है। जो भी अभी पबजी मोबाइल ग्लोबल खेल रहे हैं तो वो यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। इसको कट कर देने का है, और इस यहाँ पे लिख देना है पबजी मोबाइल, तो आपका यहाँ पे सर्च पे आ जाएगा पबजी मोबाइल ग्लोबल। तो आपको यहाँ से भी सिंपली अपडेट कर देना, और अपडेट करने के बाद आपको सीधे अगर यहाँ से आपको उतना पता नहीं चलता है कि कितना अपडेट हो रहा है, तो आपको पे स्क्रॉल करना है और टैप पर दबा देना है। तो आपको यहाँ पे पूरा कितने का स्पीड और कितना एमबी हो रहा है तो आपको पूरा पता चल जाएगा। तो फिलहाल मैं तो पबजी मोबाइल अभी बंद कर रखा हूँ, खेल नहीं रहा, तो मैं उसको कट कर देता हूँ पहले और होने देता हूँ पबजी मोबाइल के हर वर्जन को। तो ये कुछ 1400 कुछ एमबी के आसपास का होने वाला है, तो आपके पास इंटरनेट होना चाहिए तभी आप इसको अपडेट कर सकते हो। तो ये थोड़ा टाइम लगेगा, तो पहले हम इसको करने देते। तो ये अपडेट होने के बाद तो कुछ इस तरह का आपको दिखेगा। तो हमारा हो चुका है फाइनली अपडेट, और इसको हमें टैप टैप ऐप को हमें परमिशन भी दे देना है, और परमिशन देने के बाद सिंपली आपको इंस्टॉल पे दबा देना है जिससे आपका पबजी मोबाइल अपडेट हो सके। तो फिर से वही प्रोसेस है, इंस्टॉलिंग में हल्का सा कुछ सेकंड का टाइम लग सकता है, तो आप वेट कर लेना। तो अब देखते हैं, तो फाइनली अपना इंस्टॉल हो चुका, और आपको सिंपली से यहाँ पर ओपन कर देना है। तो ओपन होने के बाद आपका जो भी मतलब आप करोगे पबजी मोबाइल के आर या पबजी मोबाइल ग्लोबल, तो दोनों का सेम प्रोसेस है, आप कैसे भी कर सकते हो। तो इसको ओपन करने के बाद आपको कुछ 14 MB के आसपास का कुछ फिर से अपडेट आएगा, तो आप देख लेना। तो यहाँ पे पहले चेकिंग फॉर अपडेट दिखा रहा है, तो ये पूरा हो जाने के बाद आपको 14 MB का अपडेट आने वाला है, जो कि काफ़ी ईजिली हो जाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो, और इसको होने के बाद आपको रिस्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये रिस्टार्ट के बिना चलेगा नहीं। तो आप रीस्टार्ट कर लेना, उसके बाद सिंपली आपको आना है पबजी मोबाइल के आर वर्जन में। तो वहाँ पे इसको टैप करके देना और आपको ओपन कर लेना है, तो आपका इजीली ओपन हो जाएगा। तो मैं थोड़ा कट करके आगे कर दिया हो, तो आप मैनेज कर लेना। उसके बाद आपको कुछ इस तरह का इसका टेलर कहो या टीजर कहो, कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा, जो कि चूहा जाता है और काफ़ी सही लग रहा हो, और सामने से भी चल रहा था, काफ़ी देखने में सेक्सी लुक लग रहा है इसका। तो इसका पहले टीजर देखते हैं। सो गाइस ये मेट्रो वाले का एक टीजर, छोटा सा टीजर था जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा था। और उसके बाद आपको कुछ रिसोर्सेस पैक करने का, डाउनलोड करने का कुछ ऑप्शन आएगा, तो कर लेना। और देख सकते हो आपका जो मैप है, मैप में रॉयल मतलब मेट्रो रॉयल नाम से आ गया है। तो उसके बाद मैं और भी मतलब जितना भी इसकी जानकारी थी मैं पहले वीडियो में कवर कर चुका हूँ, तो इस वीडियो में मैं उतना नहीं बताया, बस आपको डाउनलोड का अपडेट का प्रोसेस बता दिया हूँ। तो आप देख सकते हो आपके सारी चीज़ वही होने वाली है, इसमें कुछ चेंज है। तो आपका जो मेट्रो वाल का जो साउंड अलग है, और जो अभी का साउंड था वो अलग है। तो आई होप से वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और साथ ही चैनल पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय।